बिस्मिल रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस पाकिस्तान के नाजरीन, वफाकी तहकीकती इदारे FIA ने टिकटॉकर संदल हटक को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में टिकटॉकर हरीम शाह की नजीबा वीडियो लीक होने की के खिलाफ केस की समाअत हुई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने टिकटॉक स्टार हरीम शाह की नजीबा वीडियो लीक की समाअत की। समाअत के दौरान मुदई हरीम शाह और मुलजिमा संदल हटक अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत मुलजिमा संदल हटक ने कहा कि हरीम शाह की वीडियो अभी लीक हुई है, वो मुझे कई साल से तंग कर रही है। हरीम शाह मुझे नजेबा तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने मौकफ अपनाया कि मैंने हरीम शाह की वीडियो बनाई ना लीक की, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जिसके बाद समाअत के दौरान टिकटॉकर हरीम शाह ने शवाहिद पेश करते हुए वीडियोज और तस्वीर कमरे अदालत में दिखा दी, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया कि टिकटॉक पर कश्मीर की आजादी के लिए वीडियो नहीं डाली जाती। टिकटॉकर जो वीडियोज बनाते हैं सबको मालूम है। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा संदल हटक की दरख्वास्त से जमानत मुस्तर कर दी। दरख्वास्त मुस्तर होने के बाद FIA ने संदल हटक को गिरफ्तार कर दिया। संदल हटक की गिरफ्तारी के बाद हरीम शाह ने ट्वीट किया कि कल जो मुझे गिरफ्तार करवाने अदालत पहुंच गई थी, आज खुद उसी अदालत में गिरफ्तार हो गई हैं। इसके बाद अदालत में टिकटॉकर हरीम शाह अपनी दोस्त संदल हटक की गिरफ्तारी पर काफी अफसरदा थी और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि मुझे दुख है कि संदल हटक गिरफ्तार हो गई है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबर। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगेबान। आप दोस्त थी, इतनी करीब थी और आज वो आपकी दोस्त अरेस्ट हो गई है, तो आपको फील नहीं हो रहा है ऐसा कुछ?